आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ताता जी कहीं नहीं है, मैंने हर जगह जाके देखा है, हर किसी से पूछताछ की, पर किसी ने दादाजी को देखा ही नहीं है। हाँ, किसी बस बस के नीचे तो नहीं आ गए? दादी जी, दादी, वो त्रिवेदी काका है ना, उन्होंने सुबह दादाजी को टैक्सी में जाते हुए देखा था। टैक्सी? हाँ, और वो बोल रहे थे कि उनके साथ कोई लड़की भी थी। लड़की? जब तक मुझे किसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, मैं उसे नहीं मिल सकता, समझे तुम? अब तो जाओ करो फिक्स अपॉइंटमेंट्स, ढूंढो काम, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो अब तुम्हें लगता है कि मैं अपने जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ? आज मैं क्या सो गया तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? एक छोटी नौकरी क्या मिल गई तुम्हें? अब तुम मेरे उठने बैठने पर भी मुझे सवाल पूछोगी? अरे ऐसी बात? That's it! दादाजी कहीं काम से गए होंगे तो? काम क्या करेंगे? नहीं मतलब दरियागंज की सड़क बनवा रही है या लाल किला साफ करवा रही है? काम कुछ आता भी है बुढ़ाओ को सिवाय शरारत के? देखा दादी, दादाजी नहीं है फिर भी आप उनसे झगड़ा ही कर रही है, शायद इसीलिए वो चले गए होंगे। झगड़ा? क्या झगड़े की वजह से शाहजहान अपने मुमताज को छोड़ के चला गया था? ससुराल गेंदा फूल। नमस्ते अंकल जी, बाऊजी आए क्या आपकी तरफ? अच्छा, नहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो मैं आपसे बाद में बात करता। क्या हुआ, कुछ पता चला? तुर्कमान गेट तक जाके देखा हूँ, दादाजी के सारे जानने वालों से पता कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, कहीं नहीं है। नानी, नाना जी तो आज मंदिर भी नहीं गए। अरे भाई, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, चले कहाँ गए बुढ़ाऊ? क्या हो गया, आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े? सुहाना, नाना जी खो गए हैं। व्हाट? बड़ी माँ, दादाजी खो गए? देखो ना। अरे बाऊजी कोई बच्चे थोड़ी ना है जो खो गए हैं। टेन? वो तो है। अरे माँ, माँ, राधा कह रही थी ना मंदिर के पीछे ही एक चाय की नई दुकान खुली है, बाऊजी आजकल वहाँ जाने लगे हैं। लो कर लो बात है, अब एक नया अड्डा ढूंढ लिया बुढ़ाऊ ने, जरूर वहाँ बैठ के शक्कर वाली चाय पी ली होंगे। अरे नहीं नानी, हम सब जगह देख के आए, नाना जी कहीं भी नहीं है। आई थिंक हमें दादाजी की पिक्चर ना पुलिस में दे देनी चाहिए, वो उन्हें प्रॉपरली ढूंढेंगे। अरे नहीं नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना अपने तरीके से, और ईशान तो गया ढूंढने के लिए, मिल जाएंगे बाऊजी उसको। ईशान को फोन लगा। पापा, ईशान कहाँ गया है? अरे सुहाना घबराओ मत, ईशान कहीं खो नहीं गया है, वो बस नाना जी को ढूंढने गया है। वैसे इलेश भैया, गुम होने में अलग ही फन है ना। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, दादाजी अगर जानबूझ के गुम हो गए होंगे तो बहुत चेंज भैया। अरे सुहाना, कोई जानबूझ के गुम होता है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। माँ, माँ आपको याद है क्या, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था तब एक बार प्रगति मैदान की बुक फेयर में मैं खो गया था, फिर बार बार लाउड स्पीकर पे मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, आपको याद है? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद सुहाना ये बार बार खोता रहा ताकि उसका नाम बार बार लाउड स्पीकर पे अनाउंस हो। ऐसे थे तुम्हारे पापा? मम्मा, पापा ऐसे थे? अरे भाई, कोई ईशान का तो पता लगाओ, कोई खबर मिली बुढ़ाऊ की कि नहीं? अरे ये ईशान को इतनी देर क्यों लग रही आने में, कब से गया भाई ये? पापा, हा? जरूर ईशान भाई का ना कहीं स्कूटर खराब हो गया होगा पक्का। इसके स्कूटर तो एक दिन मैं आग ही लगा दूंगा। ये ले सीधा। दादाजी क्या सच में घूम गए? मम्मी मम्मी, एक बार आप और पापा भी घूम गए थे ना? अरे मम्मी पापा घूम गए थे कि तुम गुम हो गई थी? अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। दुकान पर बर्तन खरीद रही थी और अचानक देखा तो मीठी थी ही नहीं, मुझे लगा कि इंदर के साथ होगी और इंदर को लगा मेरे साथ है। फिर दिल और दिमाग ठंडा किया हम दोनों ने और सोचा और पहली वाली दुकान पर गए। दुकान वाले के साथ बैठी रो रही थी मेरी बच्ची।
सॉरी बेटा। बड़ी माँ आगे ईशान। दादी हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ पता चला? लेके बाबूजी। अरे दादाजी कहीं नहीं है, मैंने हर जगह जाके देखा है, हर किसी से पूछताछ की, पर किसी ने दादाजी को देखा ही नहीं है। हाय हाय, हवा हो गए क्या? माँ माँ आप चिंता मत कीजिए, गए होंगे किसी के घर, आ जाएंगे वापस। पर तुम्हें तो पता है ना बड़ी, वो इतनी देर किसी के यहाँ नहीं रहते। हाय, किसी बस बस के नीचे तो नहीं आ गए? दादी जी, दादी वो त्रिवेदी काका है ना, उन्होंने सुबह दादाजी को टैक्सी में जाते हुए देखा था। टैक्सी? हाँ, हाँ, और वो बोल रहे थे कि उनके साथ कोई लड़की भी थी। लड़की? आए हाय, अरे कोई सच में चक्कर तो नहीं चल रही है? गंधारी तो नहीं मिल गई उन्हें? मैंने तो पहले कहा था। इलेश भैया, मीना, टंबो, तुम क्या बकवास कर रही है? दादाजी किसी लड़की के साथ कैसे हो सकते हैं? छोटी भाभी, वही मैंने भी पूछा था, पर जिस हिसाब से वो हुलिया बता रहे थे ना उनका, मुझे लगता है सोनाली दीदी होंगी उनके साथ। सोनाली? सोनाली कहाँ जाएगी? अरे हाँ हाँ हाँ, सुबह से सोनाली भी गायब है। अरे सोनाली के साथ नाना जी कहाँ? दादी भैया, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अब देखो, जब तक वो लौट नहीं आते ना, कोई इस घर से कहीं हिलेगा नहीं। अरे कोई ऐसी वैसी खबर आ गई तो मैं किस किस को फोन करती फिरूंगी? माँ, आप अभी ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करेंगी, आप चलिए अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए वहां जाके। हाँ। सुहाना लेकर जाएगी आप। मैं बैठती हूँ आपके साथ, चलिए जाओ। हेलो, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूँ क्या? किसका फोन था? बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है, आज आज भी चार फोन आ चुके हैं सुबह से। नहीं 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 इंदर, आलो, ईशान, इलेश, आज ऑफिस कोई भी नहीं जाएगा, जब तक बाबूजी घर नहीं लौटते कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा। नहीं नहीं, वो तो मुझे क्यों जगाया? जाओ चाय लाओ मेरे लिए। अरे क्या चाय चाय कर रहे हो? मैं कह रही हूँ मैं स्कूल से आ रही हूँ, मैं क्या स्कूल में बैठ के तुम्हारे लिए चाय बनाती? हाँ हाँ, सिर्फ स्कूल ही से आ रही हो, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि पूरी दुनिया फतेह कर कर आ रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? अरे वाह, तुम तो घर पे बैठे बैठे अपनी मॉम की तरह बात करने लग गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम काम ढूंढने के बजाय घर में सो रहे हो। क्या सोचती हो तुम? मैं सड़क पर घूम घूम के अपनी नौकरी के लिए आवाज लगाऊं, ऑफिस ऑफिस जाकर करूं कि सर मेरे कोई जॉब है, सेल्समैन समझती हो मुझे? शट अप, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में कुछ जानती भी हो तुम? जिसके बारे में तुम नहीं जानती उसके बारे में फालतू कमेंट क्यों पास कर रही हो? जब तक मुझे किसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती मैं उसे नहीं मिल सकता, समझे तुम? अब तो जाओ करो फिक्स अपॉइंटमेंट्स, ढूंढो काम, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो अब तुम्हें लगता है कि मैं अपने जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूं? आज मैं क्या सो गया तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? एक छोटी नौकरी क्या मिल गई तुम्हें? अब तुम मेरे उठने बैठने पर भी मुझे सवाल पूछोगी? अरे ऐसी बात, That's it! और मैं चाय मम्मी से ले लूंगा, हटो सामने से। पना, एक टाइम था जब तुमने मुझसे कभी कहा था कि रौनक एक दिन तुम ऐसा स्पेंड कर लिया करो, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सो हैव यू। ये बुढ़ाओ की पूछो ही मत, सारे घर में परेशान हो रही है उनके लिए और वो कहीं मजे लूट रहे होंगे।
अब तो दोपहर होने को आई, कोई खबर नहीं। दादी आप परेशान क्यों हो रही हैं? दादाजी कहीं काम से गए होंगे तो? काम क्या करेंगे? नहीं मतलब दरियागंज की सड़क बनवा रही हैं या लाल किला साफ करवा रही हैं? काम कुछ आता भी है बुढ़ाऊ को सिवाय शरारत के? देखा दादी, दादाजी नहीं है फिर भी आप उनसे झगड़ा ही कर रही हैं। शायद इसीलिए वो चले गए होंगे। झगड़ा? क्या झगड़े की वजह से शाहजहान अपने मुमताज को छोड़ के चला गया था? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कंसोल करना चाहिए, तुम्हें रुला रहे हो। यूजलेस यू आर ईशान। दादी दादी आप प्लीज रोइए मत। दादी मत रोइए ना, यूजलेस। अरे मैंने क्या कह दिया? दादी प्लीज अब रोना बंद कीजिए। मैं झगड़ा किस मियां बीवी में नहीं होता भला? अभी मियां बीवी क्या होता है? पति पत्नी, आई मीन हस्बैंड वाइफ। नहीं क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता? होता है दादी, कितना झगड़ा होता है हम दोनों के बीच में। ईशान के साथ कोई झगड़े के बगैर रह सकता है क्या? इनफैक्ट हम भी तो वही है ना जो आपने अभी कहा, मियां बीवी। इट साउंड्स फनी बट वी आर मियां बीवी। हाँ बोलो। अरे हाँ बोला तो। फिर भी तुम दोनों में कितना प्यार है कि नहीं? हाँ बहुत प्यार है। अच्छा ईशान तू बता, कल को तेरा सुहाना से झगड़ा हो जाए तो क्या तू घर छोड़ के चला जाएगा? अरे मैंने कब कहा मैं घर छोड़ के जाऊंगा? ये तो सुहाना कहती है। मैं भी तो यही कहती हूँ, कितना भी झगड़ा हो जाए ईशान घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यही कहती हूँ ना मैं। वैसे दादी आप दोनों का किस बात पे झगड़ा हुआ? पापड़ी क्या मांग ली मैंने कि तुम मेरे प्यार पे ही शक करने लगे? ठीक है ऐसी बात है ना तो ले आओ अपने लिए कोई जो आपके लिए आंखों पे पट्टी बांध के अंधी बन जाए। ठीक है ठीक है, वो ही करूंगा मैं। आप हाँ देख लेना, चला जाऊंगा जहां मेरे कदम लेकर जाएंगे वहीं चला जाऊंगा मैं। ऐसा झगड़ा तो मैं रोज ही करती हूँ, मुझे क्या पता था कि मुझे छोड़ के ही चले जाएंगे। दादी प्लीज। आई थिंक अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं डैड से बात करती हूँ, वो यहाँ के कमिश्नर को जानते हैं। हाँ कुछ भी करो पता लगाओ। पता है राधा ने मेरी सबसे मनपसंद सब्जी बनाई थी, बुढ़ाओं की वजह से एक निवाला भी मुंह में नहीं गया। कहीं कहीं बुढ़ाओ रेल की पटरी पे तो नहीं लेट गए? अरे दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? भैया मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है कसम से। दादी आप रिलैक्स करिए, मैं डैड से बात करती हूँ। मैं डैड से बात करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।